बात है जून महीने की, जब लद्दाख में किसी प्रोजेक्ट से वापस आते वक्त रास्ते में मुझे ये भाई साहब मिलते हैं। एक्चुअली टू बी एग्जैक्ट, मैं पहली बार इनसे तो उमिंगला टॉप पर मिलता हूँ, जो कि दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। एक ऐसी जगह है जहाँ फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी ले जाने में दिक्कत होती है, वहाँ पर ये भाई साहब अपने 55 साल पुराने स्कूटर पर आए होते हैं। मैं क्या सॉलिड इंस्पायर हो जाता हूँ। पता चलता है कि ये पिछले 6 साल से अपनी वेस्पा पर ही पूरी दुनिया घूम रहे हैं। अब क्योंकि यही सपना मेरा भी है, इसलिए जब ये दिल्ली आते हैं तो इन्हें दिल्ली घुमाने का सोचता हूँ। इनकी वेस्पा पर गेड़ी मारते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, इंडिया गेट घूमते हैं, और ऐसे ही हमारी रात में डिनर पर बात हो जाती है कि क्यों ना मैं इन भाई साहब को अपनी फेवरेट जगह घुमाने ले चलूं, जिसके लिए हम दोनों ही तैयार हो जाते हैं। बस इनकी एक छोटी सी शर्त थी, शर्त ये कि मुझे भी वेस्पा पर चलना होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, है एक नई सुबह और एक नया सुहाना दिन। अभी हुए सुबह के 6 और सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ। सुबह की शुरुआत होती है इंडिया गेट से, क्योंकि इलारियो, हाँ इन भाई साहब का नाम है इलारियो, और क्योंकि ये इटली से यहाँ तक आए हैं तो इंडिया गेट के सामने एक आइकॉनिक फोटो तो बनती ही है। हाँ इन भाई साहब की भी बनती है। अब ये सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि हर कोई क्यूरियस हो ही जाता है। इन पुलिस वाले भाई साहब की तरह मेरे मन में भी कई सवाल थे जो कि मैं इलारियो से पूछना चाहता था, इसलिए तो हम ये ट्रिप कर रहे हैं। तो इंडिया गेट पे हमें हमारी फोटो मिल गई है, एंड ये इलारियो है, मैं रौनक हूँ, एंड भाई साहब ऑल द वे इटली से आए हैं, तो हमने सोचा कि इन्हें अपनी फेवरेट जगह जो कि मेरी फेवरेट जगह है ऋषिकेश आसपास दिल्ली के, तो वो दिखाते हैं और साथ में एक छोटी सी राइड भी हो जाएगी। मैंने भाई पिछले 3 साल से कभी स्कूटी नहीं चलाई है, बट आज चला रहा हूँ तो मेरी पीठ की भी हालत हो रही है, बट लेट दिस एडवेंचर बिगिन। जब भी मुझको कोई ऐसा मिलता है जिससे जिंदगी की सुगंध आती है, हाँ थोड़ी हैवी लाइन हो गई, बट जो फुल ऑफ लाइफ होता है, उससे मैं बातचीत करने से खुद को रोक ही नहीं पाता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। So how does it feel to be here right now? I feel happy, and this is the reason I'm traveling, to be happy. And you know where? Look, home is where I am happy. This is my home. Why are you doing this? Like, why do you not go for a regular job or have a family? Okay. Why are you like living this nomadic life and traveling everywhere? The question is not why, the question is why not? Two kilo. Oh, bhai saab. Sab kuch badhiya, bas is helmet ne meri jaan khayi hui hai. Ye dekh lo, ये देख लो, सब कुछ बढ़िया है भाई मेरी लाइफ में, पर पता क्या है, मैं अपने लाइफस्टाइल पे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ, उसके चक्कर में मेरे को हेयर फॉल शुरू हो गया। इसलिए रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट एंड अपने हेयर फॉल से बचने के लिए मैंने चूज किया एक कस्टमाइज प्लान। कैसे? विद ट्राया। खुद के हेयर की फोटो ली, तब पता चला कि मेरा तो बड़ा ही नुकसान हुआ है, कि ये सेल्फी के जमाने में स्कैल्पी कब तक लूंगा। बट थैंक्स कि मुझे ट्राया की हेयर रिपोर्ट से पता चला कि अभी मैं हेयर फॉल स्टेज 1 पर हूँ, और अभी सही समय है हेयर फॉल को रोकने का। हेयर फॉल स्टेजेस 1 से 4, जहां पर आप सही ट्रीटमेंट लेके एक्चुअली अपने बालों का हेयर फॉल रोक सकते हो, मगर एक बार बात स्टेज 5 के आगे बढ़ गई तो खाली हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है। मुझे हेयर रिपोर्ट देखकर ये भी पता चला कि एक्चुअली मेरा हेयर फॉल जेनेटिक्स और मेरे लाइफस्टाइल की वजह से है। इसलिए बेस्ट है कि ट्राया के कस्टमाइज हेयर प्लान की मदद से मैं अभी से अपने बालों का परफेक्ट ध्यान रखना शुरू कर दूं, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है भाई। और फिर मैंने यूज करना शुरू किया ट्राया, एंड ट्रस्ट मी, इट हैज वर्क लाइक वंडर्स। 93% पीपल हैव सीन रिजल्ट्स विद ट्राया, तो ट्राई करना तो बनता है। तो आप भी आज फ्री ऑफ कॉस्ट हेयर टेस्ट लें एंड पता करें अपने हेयर की हेल्थ ओनली ऑन Traya.health, और अपना 1 month customized kit खरीदें and दिए हुए diet plan और free hair coach की मदद से results देखें। And हाँ, don't forget to use my coupon code monkey20 to get additional 20% discount, and do it fast, क्योंकि ये offer अगले 5 दिनों के लिए valid है। तो जाइए, सर के बाल चले जाएं उससे पहले Traya hair test जरूर लीजिए, link description में मैंने डाल दिया है। And to be honest, I don't understand the people. They don't understand me because I'm traveling with no schedule, with no time, with no anybody. And they don't understand how you live like so freely or anywhere without schedule, with the time.
And this is the most, the society nowadays is just a jail where everybody do something following schedules, following time, following what the boss tell them. And I don't like this. Now we stop because, you know, I am Italian and in Italy we drink so many coffees. And to start the day, to wake up, I need to drink coffee. If not, I was sleeping right now. So now I will make Italian coffee with my coffee machine. Right. Amazing. How is it, bro? It's too strong? Very strong. Okay, so you have to add the very strong milk. बहुत ज़्यादा कड़वी है ये. अब मैं कड़वी का इंग्लिश में नहीं पता क्या बोलते हैं. But I cannot drink this without adding milk and sugar or at least water. Water. Here in India, you drink very sugar, very yes, sweet. Yes, yes, yes. Yeah, everything yeah. Sugar. Yeah, put it. No. Don't. If I drink this, I will not sleep for 2 nights. I know. I will like whoa. फिर हल्का बारिश में भीगते भिगाते नहीं खाली भीगते हुए एक्चुअली बारिश होने लगी है, चलते हैं। अब तक क्योंकि लारियो के साथ मैं मस्त फ्रैंक हो चुका था। ओह, लुक ब्यूटीफुल। आई वांट टेक ए पिक्चर ब्रो। द केचुंग हियर। ओके, कैन यू टेक इट प्रॉपर्ली? यस यस। गिव मी द ट्रक। तो जो सवाल मेरे को पूछने की इच्छा थी रेडी क्यों ना वो पूछ ही लिए जाए। डू यू थिंक दिस फ्रीडम that you want and you have already, but it comes at a cost, like cost of like disappointing maybe your loved ones or sacrificing the other life that you could have had. Yes, freedom, people think it's free. Freedom is easy. Now there is nothing more difficult than freedom, and there is nothing more costly than freedom. Freedom has a high price. It's very costly. I was telling you yesterday, when you travel, these long travels, you have to cross three kind of life. The first life is the life when you live your work, your normal routine, comfort life. Second life is when you travel, you start to travel, and you feel like a king of yourself, a hero of yourself. The people always, they clap their hands, bravo, good, and you are doing what you love most. The third life is when you come back. And when you come back, even in the same city that you left, is you change, the people change, the years passed, and this is very difficult. This is the most difficult part of the journey, is come back. Because you live the best part of your life to be back to the normal life. And maybe I'm afraid of this. I don't want to come back because I'm afraid. This is the worst part of the journey, really. फिर ऐसे ही 5 घंटे के छोटे से सफर को 10 घंटे में पूरा करके हम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश। बहुत ही खास रिश्ता है मेरा इस जगह से, पर उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इलारियो को मेरी फेवरेट जगह घुमाते हैं। ऑफ रोड आ गए भाई। ओ नो, बीटल्स आश्रम के लिए ऑफ रोड आ गए। अब मैं ऋषिकेश बहुत बार आया हूँ, पीटर्स आश्रम भी बहुत बार आया हूँ, बट एक्चुअली मैंने अंदर से कभी देखा हो वाओ मोर। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मैंने अंदर से पीटर्स आश्रम आज तक नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। मैं गया ही नहीं। मैं आता हूँ, बाहर जाता हूँ और देखता हूँ, कहता हूँ अरे यार ये तो ऊंचाई पे है, चलना पड़ेगा, छोड़ो। गो क्लोज। नो, प्लीज 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 टेक अ वीडियो। आई वांट टेक अ वीडियो ऑफ यू। गो गो, आई विल गेट स्केयर्ड। गो 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 क्लोज, गो क्लोज। भाई साहब, अभी हम आए बीटल्स आश्रम में ना, और मैं घुसा तो मेरी फट गई। मेरे को दिखता क्या है? मॉनिटर लेजर। अभी वीडियो में देख के नहीं पता चल रहा होगा भाई, इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी, इतने बड़े क्लॉज और ऐसे ऐसे चल रही थी।
ये है 84 कुटिया, जिसको बीटल आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंग्लैंड के फेमस बीटल बैंड ने यहाँ पर कुछ साल रुककर खूब सुंदर गाने बनाए थे। तो दोस्तों, ये बीटल आश्रम है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आज से पहले यहाँ आया क्यों नहीं, बार बार भारत देख के क्यों चले गया। आप सबको सलाह है कि जब भी आओगे बीटल आश्रम जरूर जरूर आना है, ऐसे नहीं भारत देख के जाना है, वर्थ इट है। There was even a post office. I mean, it was really well structured. The winner. Sorry, I have to send a parcel. Parcel. Wow. A lizard is there to collect your mail. Yes, my hand. I collect my hand. इलारियों को तो खूब मजा आ रहा होता है, मगर मेरे मन में एक हलचल चल रही थी कि रात का स्टे कैसे हो पाएगा, क्योंकि ट्रिप पे आने से पहले इलारियो ने कह दिया था कि मेरे को ट्रैवल करना है तो उसके स्टाइल में करना पड़ेगा। थोड़ा डर लगता है भाई, इतने अंधेरे में पिच डार्क, कुछ नहीं दिखता। जो कि मैं कर लूं, मगर ये हाथियों का एरिया है। यहाँ पर लोगों ने हमें वॉर्न भी किया है कि रात में हाथी का बहुत खतरा है। They told us, they said surely there are elephants. There are elephants tonight. The guy that you met, he said recently one person got killed. No. By elephant. फिर भगवान का नाम लेकर हम करते हैं अपना अपना टेंट पिच। तो जी NGL, not gonna lie, मेरी फटरी है, क्योंकि यहाँ हाथी का सीन है और मैंने यहाँ पर एक्चुअली जंगली हाथी 6-6 एक साथ देखे हैं, इसलिए मेरी ज्यादा फट रही है। मेरे को पता है आते हैं नदी पे पानी पीने। उस रात रियलाइज होगा कि भाई मैं इतना भी कूल नहीं हूँ अकेले रहने में, अकेले इस तरह की जगह पे रहने में मेरी बहुत फटती है। तो भाई ये मेरी वेस्पा है, ये मेरा टेंट है और ये लारियो, ऑब्वियसली ये लारियो की वेस्पा, ये लारियो का। वो रात जैसे तैसे डर में तो निकाल ली, चैलेंजिंग था, मगर जब सुबह उठता हूँ तो एहसास होता है कि कैंपिंग के लिए इससे सुंदर जगह कोई और हो नहीं सकती है। आप खुद ही देख लो। टेंट खोलते ही सामने इतना बेहद इतना खूबसूरत नजारा है ना, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार भाई ये मैंने सौरभ जोशी जैसे नहीं बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरे को श्योर नहीं है, बट मैंने उसका रोज देखा था रिसेंटली तब मेरे को पता चला। बट खैर, व्हाट आई वाज सेइंग वाज, यार मैं कल डर रहा था इतना, क्योंकि सबने डरा दिया था, लोकल्स एक्चुअली डरा दिया था, बट दिस प्लेस इज लाइक सुपर फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। ये एंड ये भाई का सेटअप एंड इट फील्स सो गुड टू बी हियर, फील अलाइव। How is it? It's cold and it's fun. You should come too. Leave hand pump to itself. This is very amazing. Woo! What is happiness? Happiness, Socrates, a Greek philosopher, said that it's a monster inside of you. And what is this monster? The monster inside of you is what make you feel alive. As Ilario says, the plan is no plan. So, kal humne ek camping spot dhunda, humne yahan itna sunhera tha na subah, itna zyada kamal ka tha. Hum uthte yahi baithe rahe, uthe kuch nahi kiya, wahi baithe hain, fir aage nadi mein swim le rahe hain. Kal Ilario ne ek badi achhi baat boli, Italian ke andar bolta hai ki iska kuch na karne ka bhi ek shabd hai, matlab to enjoy doing nothing iska bhi ek shabd hai, usse puch ke bataunga. मेरे को कभी कभी लगता है मैं रिटायरमेंट वाली लाइफ क्यों जी रहा हूँ, मेरे तो हसल करने के डेज है, मेरे को हसल करना चाहिए, काम करना चाहिए। वैसे मेरा काम भी हो रहा है, वीडियो बन रही है, बट ये थोड़ा वो है, ऐसा स्टेटमेंट है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार अगर इस एज में, मतलब ये प्राइम जैसे एडल्टहुड के अंदर काम नहीं किया लग के तो क्या फ़ायदा, और फिर कभी सोचता हूँ कि क्या इधर होता है, लाइफ को थोड़ा चिल लेते हैं ना, धीरे धीरे चलते हैं, सारी चीज़ों का बैलेंस ज़रूरी है, इन्जॉय करना ज़रूरी है। बट फिर जब मैं इन्जॉय करता हूँ तो मेरे को गिल्ट भी होता है कि यार मैं काम क्यों नहीं कर रहा, मैं इन्जॉय क्यों कर रहा हूँ। सही में मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे को नहीं पता किसी और के साथ ऐसा होता नहीं होता, बट ये तो गलत बात है ना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब काम करो तो काम करो भाई, फिर लग के काम हो रहा है, और जब इन्जॉय करो तो इन्जॉय करो। ऐसा नहीं है कि जब आप इन्जॉय कर रहे हो तो आपको गिल्ट हो रहा है कि यार वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, काम कर लेता, वो गलत है। दो बोट्स में एक साथ पाँव रखेंगे तो चलो खैर चलते हैं अब।
सुबह सुबह का ज्ञान इतना ही। अभी ये देखो यहाँ से स्विम करके आया हूँ और पूरे बीच पे बस हम हैं। मैं कुछ लाइन बोलने वाला था, मैं बोल रहा था मरने के लिए जन्नत का इंतजार मौत तक क्यों करना है, जन्नत तो यहीं है। वो सही लाइन बोल रही थी। मैं एकदम से बोलने लगा, मेरे को लगा ये तो हैवी हो रहा है थोड़ा, पर फिर रिलाइज हुआ बोल सकते हैं तो बढ़िया लाइन है, किसी फिल्म में इस्तेमाल हो सकती है कि जन्नत का कि मरने जन्नत जाने के लिए मौत का इंतजार क्यों करना है, या स्वर्ग जाने के लिए मौत का इंतजार क्यों करना है, स्वर्ग तो यहीं है। सही यार, वाओ, गुड जॉब रौनक। अच्छा लगा डायलॉग तो कमेंट में, गुड जॉब रौनक, थैंक यू। एंड व्हाट इज दिस मॉन्स्टर? द मॉन्स्टर इनसाइड ऑफ यू इज व्हाट इज मेक यू हैप्पी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज फाइंड व्हाट इज योर मॉन्स्टर, and when you find it, that it's not easy, not everybody find them. The only way to be happy is feed this monster, give food to this monster. Basically Ilario ye keh raha tha ki try to find your passion and do whatever makes you happy. Aur Ilario ko actually ye jagah itni achhi lag gayi ki usne apna stay yahan par 2-3 din ke liye extend kar liya. Okay, we'll close the video. Okay. And we'll do it in my style. I'll say one line, video chala gaya, and you say ek like ek comment. एक लाइक एक कॉमेंट, विच मीन्स वन लाइक एंड वन कॉमेंट, लीव वन लाइक कॉमेंट। ओके ओके दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।